नुसरत जहां ने मां दुर्गा की पूजा क्या की, नुसरत मजहब के ठेकेदारों के निशाने पर आ गई हैं। नुसरत जहां की दुर्गा पूजा को लेकर देवबंद के एक मौलाना ने सवाल उठा दिया है और इसे इस्लाम के खिलाफ बता दिया है। दुर्गा अष्टमी के मौके पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद और बांग्ला फिल्मों की एक्ट्रेस नुसरत जहां ने मां के दरबार में हाजिरी लगाई। नुसरत जहां कोलकाता के एक पूजा पंडाल में पति संग पहुंची और मां शक्ति की पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद नुसरत जहां की भक्ति का सिलसिला यही नहीं थमा। माता के दरबार में नुसरत जहां ने नाच गाने में हिस्सा लिया और दरबार में दिल खोल कर नाची। नुसरत माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने नाचती रही और लोग तालियां बजाते रहे। लाल रंग की साड़ी, मांग में सिंदूर और माथे पर बिंदी लगाकर आई नुसरत जहां मां की भक्ति में पूरी तरह लीन दिखी। इस मौके पर नुसरत जहां के पति निखिल जैन ने भी उनका भरपूर साथ दिया। निखिल जैन ढाक पर थाप देते रहे और नुसरत जहां मां की प्रतिमा के सामने झूमती रही। नुसरत के नाच गाने के बीच पूरे पंडाल में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। नुसरत ने मां दुर्गा की आराधना क्या की, यूपी के देवबंद के रहने वाले एक मौलाना उबल गए। इस तरीके का अमल इस्लाम के अंदर जो है बिल्कुल जायज नहीं है। इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिवा किसी और की इबादत की जाए, किसी और की पूजा की जाए। ये जो है इस्लाम के अंदर शिर्क है। मैं उनको मशवरा देता हूँ कि वो अपना नाम भी बदल लें। क्यों इस्लाम को बदनाम करती हैं इस तरीके के नाम रख के? नहीं नहीं, आई डोंट थिंक आई बॉदर अबाउट कंट्रोवर्सी। और ये मेरा अंदाज है बंगाल में एंजॉय करने का हर एक सेलिब्रेशन को, एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन, सो कंट्रोवर्सी इज टचिंग मी नो। हर साल नुसरत जहां इसी तरह नवरात्रों में देवी की भक्ति करती आ रही है और वो इसे मजहब के खिलाफ नहीं मानती। ऐसे में अब देखना ये होगा कि नुसरत की भक्ति पर छिड़ी मजहब की महाभारत कहां जाकर थमती है। देवबंद से पिंटू शर्मा के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। ऐसा पहली बार नहीं है जब नुसरत जहां को लेकर कोई विवाद हुआ हो, बल्कि विवाद नुसरत का पीछा नहीं छोड़ते हैं। नुसरत के सिंदूर लगाने, मंगलसूत्र पहनने और गैर मजहब में शादी करने पर भी सवाल खड़े हो चुके हैं। टीएमसी सांसद नुसरत जहां की यही अदा और अंदाज तो कुछ लोगों को चैन से सोने नहीं देता। ये वो नुसरत है जो शान से माथे में सिंदूर लगाती है, अपनी पसंद से गैर मुस्लिम लड़के से शादी रचाती है और जिसके गले में मंगल सूत्र की दमक शोभा बढ़ाता है। पश्चिम बंगाल की बशीरहाट सीट से संसद पहुंचने वाली नुसरत जहां बंगला फिल्मों की बेजोड़ अदाकारा है और लाइट्स, कैमरा, एक्शन ने उन्हें दिल्ली तक चमका दिया। यही से नुसरत की सोच, अंदाज और जिंदगी को इस्लाम के नाम पर तौला परखा जाने लगा। देखिए संसद के अंदर की वो तस्वीर जब नुसरत ने बतौर सांसद शपथ ली। आमी नुसरत जहान रूही जैन लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुईया ईश्वर नामे शपथ करते जे आमी
विधि धारा प्रतिष्ठित। शपथ पर तो धर्म के ठेकेदारों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन नुसरत के गले में मंगलसूत्र और पेशानी पर सिंदूर उन्हें चुभ गया। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बांग्ला। देखिए बात ऐसी है कि छुपा के तो मैंने शादी की नहीं है, ये एक सामाजिक विवाह है, तो ऑब्वियसली सबका आना, हमारे लिए सबका आशीर्वाद पाना बहुत बहुत अच्छा रहेगा। नुसरत बंगाल के उस परिवेश में पली बड़ी है जहां सर पर दुपट्टा रखकर अजान की इजाजत होती है, तो पूजा के मंत्र भी उसी आदर से कानों में घुल मिल जाते हैं। नुसरत पिछले दिनों जब कोलकाता में इस्कॉन के समारोह में पूजा करने के लिए पहुंची और झूम उठी, तो ये गंगा जमनी तहजीब भी ठेकेदारों को रास नहीं आई। नुसरत ने अपनी मर्जी से उस नौजवान के साथ शादी की रस्में निभाई हैं जो गैर मुस्लिम है। चुनाव जीतने के फौरन बाद दोनों शादी के लिए बाहर रवाना हो गए थे। नुसरत की जिंदगी का ये फलसफा भी कुछ लोगों को तीखा लगा। जे कर्तव्य भार आमी ग्रहण करिते चलियाछि ताहा आमी विश्वस्त भावे निर्वाह करिब। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बांग्ला। थैंक यू। अब नुसरत कोलकाता में उस दुर्गा पूजा को लेकर कुछ लोगों के निशाने पर है, जो पूजा बंगाल के लिए सांस्कृतिक ऑक्सीजन है, लेकिन ये वो नुसरत है जो ना किसी से डरती है ना हार मानती है। मनोज्ञा लोहिवाल, कोलकाता आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।